मैं मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत
और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत सालमियत इस्तेहकाम इस्तेहकाम यकजहती यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं के मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। के मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ्फुज़ और दिफा करूंगा और इसका तहफ्फुज़ और दिफा करूंगा। कि मैं हर हालत में हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत और अनायत अनात और बिला रगबत और इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये के मैं किसी शख्स को बिला वास्ता मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा ना किसी पर जाहिर करूंगा ना किसी पर जाहिर करूंगा जो बहसियत गवर्नर सूबा पंजाब मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा गवर्नर सूबा पंजाब मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज जबकि बहसियत गवर्नर अपने फराइज की कमाह हो बजुज जबकि बहैसियत गवर्नर अपने फराइज की कमा हक हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। अल्लाह सुभान व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। थैंक यू वेरी मच। बलीग़ुर्रहमान गवर्नर पंजाब बन गए ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर्रहमान के हलफबरदारी की तकरीब इस वक्त जारी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब भी तकरीब में उनके साथ मौजूद थे और कौमी तराने की रवायती धुन बजाएगी और तलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया गया और उसके बाद फिर गवर्नर पंजाब बलीग़ुर्रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बलीग़ुर्रहमान को बतौर गवर्नर पंजाब तैनात करने की मंजूरी दी थी और सदर ममलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के शिक एक के तहत दी थी और सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई समरी मंजूर की थी और उसके बाद आज गवर्नर पंजाब बलीग़ुर्रहमान की हलफ बरदारी की तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब भी उनके हमरा मौजूद रहे थे। इससे कबल हमने देखा कि जो गवर्नर है उनका ये ओहदा तनाज़े का शिकार भी रहा था। नून लीग हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था जिस पर सदर आरिफ अलवी ने इतराज़ उठा दिया था और काबीना डिवीज़न ने उस वक्त के गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया था जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने हुकूमत के इस इकदाम पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि उन्होंने गवर्नर को हटाने के वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी है। गवर्नर पंजाब के ओहदे पर रहने या ना रहने से मुतालिक सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ऑफिस आमने सामने भी हमें नज़र आए और अब गवर्नर पंजाब का मामला हल हो गया। बलीग़ुर्रहमान नए गवर्नर पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। अपने ओहदे का हलफ उन्होंने उठा लिया।